Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है। एयरफोर्स में भी मेडिकल के प्रोसेस शुरू हो गए हैं, बच्चों ने टेस्ट पास कर लिए हैं, उनको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज इनका मेडिकल का होगा। अब कई बच्चों के तो ऑन स्पॉट मेडिकल हो चुके हैं, कई बच्चों को डेट दे दी गई है, उस डेट पर आके आपने मेडिकल प्रोसेस करना है। आप बच्चे, आज अभी जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ मेल्स के मेडिकल पे, इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह फीमेल्स के मेडिकल पे होगी। उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्रोसेस किस तरह करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, क्या चेक की जाएंगी। अब इससे जो मेल पे हम बात करें तो सबसे पहले बच्चे, जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होना है उस दिन आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे टाइमली पहुँच जाएँ, जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले आधा घंटा पहुँच जाएँ। जो वहाँ पे प्री रिक्विजिट उनके लवाजमात होते हैं वो सारे आपने करने हैं। करने मीन्स कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, CNIC चेक होगा, वाकई वही बंदा है या कोई और तो नहीं आया। आप जब आपके चेक हो जाएंगे उसके बाद बच्चे, उस दिन कोशिश करना कि मतलब ढीले डाले कपड़े डाल के जाओ, ट्राउज़र डाल के जाओ या शलवार कमीज डाल के जाओ, ज़्यादा मतलब टाइट आपने जीन्स वगैरह नहीं डालनी। एक चीज़ क्लियर होगी। आप बच्चे, जब आपने वहाँ पे टेस्ट सिलेक्शन सेंटर पे पहुँचना है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह हो जाएंगे, जो बेसिक उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो करने के बाद, अब आपका अगला प्रोसेस होना है मेडिकल। अब मेडिकल में बच्चे, सबसे पहले आपने वो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स फाइल रख दें, आपकी जो चेयर्स बनी होंगी जहाँ पर आप बैठे होंगे वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, अपनी कमीज़ें बनियान्स वगैरह जो डाली होंगी वहाँ पर आपने उतार के रख देनी है, जूते वगैरह भी आता है कि आपने उतार के वहाँ पर रख देने हैं। सिर्फ आपने ट्राउज़र रह जाएगा या शलवार रह जाएगी, वो घुटनों से आपने ऊपर कर लेनी है। करने के बाद आपने अंदर चले जाना है। अब अंदर उनका तरीकाकार ये होता है कि उस दिन बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं तो सबको अंदर तो नहीं बुलाते हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने ग्रुप्स बना लेते हैं अपनी जगह की फिजिबिलिटी के हिसाब से। आप कुछ लोग, कुछ सिलेक्शन सेंटर्स पर 10-10 का ग्रुप होता है, कुछ 15 का, कुछ का 20 का, इसी तरह आपको अंदर बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल 20 बच्चों को अंदर बुला लेते हैं। बुलाने के बाद आप सबसे पहले बच्चे, आपके हाथ पांव चेक किए जाते हैं, घुटने चेक किए जाते हैं, कोहनियाँ चेक किए जाते हैं, क्योंकि शलवार ट्राउज़र आपने ऊपर किया होता है तो सबसे पहले आपने इस तरह हाथ आगे करने हैं, खड़े करने हैं, तो आपके हाथ चेक होंगे, उंगलियाँ चेक होंगी, घुटने चेक किए जाते हैं, कोहनियाँ चेक की जाती हैं, शोल्डर्स चेक किए जाते हैं, कोई वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी का टूटा हुआ तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है, इस तरह के इशूज़ चेक किए जाते हैं। उसके बाद आपके पाँव चेक किए जाते हैं, घुटने पाँव चेक किए जाते हैं, अगर आपकी उंगली कोई टेढ़ी है, घुटने टेढ़े हैं, पाँव टेढ़ा है या उंगली कोई दूसरी उंगली के ऊपर चढ़ी हुई है तो उन बच्चों को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, सिलेक्टेड नहीं होते। इसके बाद अगला प्रोसेस आपका कद का होता है, वहाँ पे बच्चों को खड़ा किया जाता है, एक उनका स्टैंडर्ड हाइट्स का बना होता है, उस स्टैंडर्ड्स पे जाके जैसे एरो ट्रेड वाले बच्चे हैं तो उनका 5'4" होता है, इसी तरह जैसे FMAs हैं तो उनका 4'8" से शुरू होता है और थ्रू आउट ऊपर तक जाता है, तो इस तरह उन बच्चियों का भी सेम सिनेरियो होगा, लेकिन इस पर इंशाल्लाह मैं डिटेल में बाद में वीडियो बना दूंगा। तो अब आपका कद सबसे पहले नापा जाता है, कद के बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। एयरफोर्स में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कलर ब्लाइंड जो बच्चा होता है उसको तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके अंदर सारे कलर होते हैं, आपने निशानदेही करनी होती है कि ये कौन से कलर की बात कर रहे हैं, आपने वो कलर बताना है, अगर वो टेस्ट पास कर जाते हैं। करने के बाद आपका अगला प्रोसेस होता है आई चेकिंग का। आई चेकिंग में ये होता है कि आप सामने बैठे होते हैं, सामने आपके शीशा होता है, बैक साइड पे जैसे आप क्लिनिक पे कभी आंखें चेक करवाने जाएं तो वहाँ पे एक आपके पास वो पीछे लिखा होता है कि एक साइड पे वाइट कलर का होता है बॉल सा, उस पर ABC होती है, बैक साइड पे अलिफ बे पे होती है, 1, 2, 3 होती है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी तरह दिखाई जाएंगी। अब सामने शीशे में आपने इन चीज़ों को देखना है, एक आंख पे हाथ रखना है, दूसरी आंख से देखना है, तो आपकी नज़र चेक की जाती है, इसी तरह आपकी दूसरी आंख पे फिर हाथ रखना है और इसे चेक किया जाएगा, दोनों अगर ठीक हैं तो आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। अगर उसमें कोई छोटी मोटी अगर ये एरर है लेकिन आप निशानदेही कर पा रहे हैं, छोटे से छोटे लफ्ज़ की नहीं कर पा रहे तो वो भी बंदा चल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपकी नज़र वीक होगी, जैसे मतलब 2 है, 2.5 है, 3 है, तो उन बच्चों को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो माइनस ही चल जाती है। अब इसमें इसी तरह FMAs का जो सिनेरियो होता है उसमें नज़र का इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो चल जाती है, लेकिन ज़्यादा ना हो वीक तो माइनस ही 0.5, 0.75, तो ये तकरीबन इतनी चल जाती है और वो आम बंदा भी उसको सामने से देख लेते हैं। तो जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, होने के बाद अब आपका मेडिकल होगा। अब उसमें डिटेल मेडिकल होता है, डिटेल मेडिकल में आपको सामने खड़ा कर दिया जाता है, आपको कहते हैं कि आप शलवार ऊपर कर लें। अब इसमें बच्चे, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आपके पहले हाइट चेक होनी है, फिर कलर ब्लाइंड होना है, फिर आईज होनी है, तो तीनों में से आगे पीछे हो सकते हैं, टेस्ट यही होने हैं, इन शॉर्ट टेस्ट यही होने हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो तरतीब मैंने बताई है वही होगी।
अब उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में बच्चे ये होता है कि आपके मतलब आपको शलवार या ट्राउजर रिमूव करना पड़ता है, करने के बाद वो बेसिकली चेक करते हैं सिर्फ इसके अंदर के कोई मतलब उसमें मतलब कोई किसी और जेंडर का बंदा तो नहीं आ गया, मतलब जैसे खुसरे होते हैं या ख्वाजा सरा होते हैं उनमें से तो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो हम मतलब इस कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहे हैं, वो चेक किए जाते हैं, हल्का सा टेस्ट होता है उसमें वो बच्चों को चेक किया जाता है, करने के बाद यहाँ तक मामला आपका ख़त्म हो जाता है, करने के बाद आपको बाहर भेज दिया जाता है जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। और उसके बाद आपके एक ये था इनिशियल मेडिकल, अब इसके बाद आपका डिटेल एक मेडिकल होता है, वो मेडिकल यहाँ नहीं होगा, जब आप बच्चे इसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जब आप जिस बेस पे कहा जाएगा वहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे आपका एक डिटेल मेडिकल होगा, उसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस सी आपकी चेक की जाती है, टीबी वगैरह के टेस्ट होते हैं, कोई उसमें मतलब किसी को एड्स वगैरह तो नहीं है। तो बच्चे ये एक तरीकाकार था, इसके अलावा आपने जब सिलेक्शन सेंटर पर आना है वहाँ पर बड़े तमीज़ और तरीके से आपने वहाँ पर बातचीत करनी है, कोई वहाँ पर आपको डांटा नहीं जाएगा, कोई आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं कहेगा, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ज़हनी तौर पर रिलैक्स होकर आए, अपना टेस्ट परफॉर्म करें और सिंपल इज दैट। तो देखें कि वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करते, उसकी वजह बच्चे पता है क्या होती है कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना किया जाए, उनको स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। और दूसरी बात कि देखिए कि वो आपके भाई ही हैं, किस तरह के कल आप भी सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट होने के बाद इन्हीं लोगों से आपका वास्ता पड़ना है, हो सकता है बहुत से लोग इनके जूनियर्स हों, हो सकता है बहुत से लोग फर्दर वक़्त के बाद इनसे सीनियर भी हो जाएं, तो ये इस वजह से मतलब उस चीज़ को भी कैटर करते हैं और आपको अपना भाई समझते हैं, इस वजह से इनके साथ मतलब एक बड़ा अच्छा इनका बर्ताव होता है। और स्पेशली एयरफोर्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक मतलब एक अच्छी फोर्स है, रिस्पेक्टेड फोर्स है, पढ़ी लिखी फोर्स है, उस वजह से आपको एक रिस्पेक्टेड फेस एक रिस्पेक्ट दी जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो फिर भी कोई बच्चे किसी का कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स करें इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको डिटेल में समझा भी दूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैं कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। हाँ, जो बच्चे व्हाट्सएप पे करते हैं बहुत से बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो लेकिन ये है कि जो यूट्यूब पे जितने भी कमेंट्स होते हैं इनके लिए स्पेशली मैं टाइम निकालता हूँ और उस पर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे आप एक उम्मीद लेके मेरे से पूछते हैं, उस वजह से मैं उसको रिगार्ड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपका रिप्लाई का जवाब दूँ। फिर भी बच्चे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह FMA फीमेल असिस्टेंट के मेडिकल टेस्ट पे होगा, उसमें मैं डिटेल में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि टेस्ट किस तरह का होता है। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।